तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने केव ढूंढी थी और हमने वहां से बहुत सारे डायमंड्स निकाले थे। आज के इस एपिसोड में हम जा रहे हैं माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने ऑफलाइन जाके कुछ काम किए लाइक सी, तो देखो मैंने कुछ इस तरीके के माइन बनाए जो यहां से लेकर पूरे बॉक्स सा बना रही है, पूरा एक बॉक्स बना रही है। एंड मेरे को उसके अंदर का एरिया ना वो पूरा का पूरा फ्लैट करना है। और यहाँ से जो है केव भी निकल रही है तरफ आने के बाद, यहाँ से एक बॉक्स इधर जा रहे हैं, एक बॉक्स नहीं सॉरी इधर आजा, मारेगा तू मेरे को। मर गया, पड़ गए संतुष्टि तेरे को, मतलब मुझसे लड़ेंगे पेरो बंदे से है। एक बॉक्स इस तरफ जा रहा है और एक बॉक्स इस तरफ जा रहा है, दोनों तरफ एक एक बॉक्स जा रहे हैं। अभी मेरा क्या प्लान है कि मैं एरिया क्लियर करूं, बट अभी नहीं करने वाला, वो मैं ऑफलाइन जाके ही करने वाला हूं। बट अभी हम जाने वाले हैं माइनशाफ्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों को केव के अंदर एक माइनशाफ्ट मिली थी जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट कर लिए हैं, उस कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं। बट थोड़ी तैयारी करके जाएंगे। आवाज कहाँ से आ रही है बारिश की? नहीं, आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ बारिश यार। तो पिछले एपिसोड में मैंने एक चेस्ट बनाया था जहाँ पे मैंने सामान रखा था अपना, उस वहां से थोड़ा बहुत सामान लेते हैं एंड हम चलते हैं माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि पता है क्या चांसेस है कि वहां के अंदर डायमंड्स ही मिल जाएंगे। वो देखो वो रहा वो रहा, मेरा सामान मिल गया फाइनली, मेरा सामान आता। बेड है मेरे पास, क्या बेड? बेड बना लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, लाइक मेरे को चाहिए एक पिकैक्स, क्योंकि ये पिकैक्स खत्म होने वाली है एंड मेरे को इन ब्लॉक्स का ज्यादा काम नहीं है, तो उनको रख दो। वुड्स मैंने रखी ली अपने पास, 41 काफी है मेरे लिए। हाँ मुझे कोल की जरूरत पड़ने वाली है, यस। वैसे माइनशाफ्ट में पहले से टॉर्चेस होगी बट तब भी मैं लेके जाने वाला हूँ। ओके मैंने बहुत ज्यादा टॉर्चेस बना लिया अभी लिटरली, एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कोल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे को कोल मिलता है तो मैं लेके आऊंगा अपने साथ। ठीक है मेरे पास एक स्वर्ड आ गई है एंड मेरे को अब बनानी अपने लिए एक एक्स। आई थिंक सो मेरे पास सारी चीजें तो आ चुकी है, बाकी अब कोई मेरे को मारने आएगा तो अंडे फेंक के मारूंगा मैं उसे। या मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मेरे को कोई भी काम नहीं करना। वैसे एक बार देख लेता हूं कि कुछ रह गया तो। एक्सी खाना मेरे पास पूरा है, टॉर्चेस पूरी है, तैयारी पूरी है। ठीक है तो मुझे यहाँ से जाना है सीधा चेस्ट है कि किस काम का है। डायमंड रखे इसके अंदर, भाई सब डायमंड है। पहले काम करते हैं -1251 पे चलते हैं, -169 करेक्ट इसके नीचे। तो इसके नीचे खोदना शुरू करते हैं, बाकी एक सेकंड में कोई वाटर बकेट की जरूरत पड़ सकती है। भाई रुक जा, अभी मत मारो प्लीज, अभी मत मारना। मुझे जितना हो सकता है मेरे को उतना नीचे जाना है ना, मेरे को लड़ना ही नहीं है। मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मैं किसी की चीज के लायक ही नहीं हूँ भाई। मतलब मैंने ऊपर से ब्लॉक भी लगाया बट तब भी वो क्रीपर फटा, आई डोंट नो व्हाई। क्या ग्लिच हुआ था भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? पागल है क्या क्रीपर? छोटी बच्ची हो क्या तुम? पता नहीं दौड़ते हो तो ऐसा आया था जैसे आ जाते को मारे दूंगा। वैसे मार ही दिया उसने। अब किस केव के अंदर एंट्री कैसे मारनी है वो सोचो। रुको मैं यहाँ से ब्लॉक तोड़ सकता हूँ, बाकी अगर मैं इतनी हाइट से गिरूंगा तो क्या मैं मरूंगा? ओके मेरे को मेरे सामान सारा सामान मिल चुका है। रुको प्लीज मरियो मत, रुक जाओ। ओके पहले हेल्थ बढ़ा लेता हूँ भाई। अरे फाइन सारा सामान तो मिला, यस। अब मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऐसे नीचे कूदता तो फिर मैं मर भी सकता हूँ। तो व्हाट कैन आई डू इज नीचे जाते ही सीधा बेड लगा देना है। मैं बस F8 दबा दूंगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने एफर्ट दबाया था, आयरन नहीं है यार, मैं बकेट कैसे बनाऊं? आई कैन मेक अ बकेट। अब भाई मेरे को सबसे पहले कहीं ना कहीं से आयरन का जुगाड़ लगाना पड़ेगा एंड इस विलेज में आयरन गोलम भी स्पॉन नहीं हो रहा, मैं कहां से विलेज का जुगाड़ लगाऊं? एक सेकंड, मैंने एक चेस्ट रखा था ना वहां पे, बहुत सारा आयरन था जितना मेरे को याद है। देखो वो रहा वो चेस्ट, अगर इसमें आयरन निकलता है तो ठीक है, अगर इसमें आयरन निकलता है तो फिर मैं बच जाऊंगा। नहीं आयरन, बकेट है। रुक जा, मारो मत, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मैंने वाटर बकेट तो ले लिया और अभी मैं जाना हूँ उस कोऑर्डिनेट्स पे वापस से। अब मेरे को जाना है -69 1251 पे। चल भाई जल्दी हो जा। ठीक है हो जाएगा। मेरे सारा सामान सेफ है, बस होना, मेरे सारा सामान सेफ है। आ जा भाई मेरे सारा सामान प्लीज। भाई कितने सारे मॉन्स्टर हैं यहाँ पे। रुक जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो डायमंड्स, रुको मैं ले नहीं सकता इसको। खाना नहीं मिला यार, मेरा खाना डिस्पॉन हो गया। रुको यार ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है अब मार लो, आ जाओ अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। ठीक है फाइनली मैं माइनशाफ्ट के अंदर तो आ चुका हूँ, बाकी यार सबसे पहले मेरे को अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी। माइनशाफ्ट छोटी नहीं है, माइनशाफ्ट बड़ी है। जस्ट फेदर फॉलिंग 3 इट्स नाइस एंड मैं सब कुछ लेने वाला हूँ यहाँ से। ओके हेलो इज देयर एनीवन भी है यहाँ पे? अबे भाई क्या माइनशाफ्ट है भाई, भूल भुलैया बना रखी है। ओके रुको आई डोंट थिंक। ओके मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। रुको मैं जा रहा हूँ। आयरन बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मेरे पास आयरन की बहुत ज्यादा कमी भी है। डायमंड 4 मिला और मेरे को नहीं पता मैंने क्या सोच के थोड़े बस तोड़ लिया। देखो आई कैन डू वन थिंग, अभी इसको एक्सप्लोर करने से अच्छा है कि मेरे को ऊपर निकलते हैं।
लो नाइस नाइस, क्या बोलूं मैं बताओ क्या बोलूं मैं। ठीक है यार, मैं सामान अपना खुद बाद में ले आऊंगा। आज के एपिसोड में इतना ही, कमेंट करके तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुम लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।